हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आल्सो ऑफ योर स्टडी। बच्चों, अपने स्वास्थ्य के साथ में अपनी स्टडी का भी ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है और मैं यही चाहता भी हूँ। देखो बच्चों, क्या है कि क्लास 11th की जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ, इससे बहुत समय पहले मैंने क्लास 11th की वीडियो डाली होगी। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि सर ने वीडियो डालनी बंद कर दी, तो एक टफ टाइम था मेरे लिए, सभी के लिए था। मैं भी बहुत परेशान था, ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब मैं कुछ स्वस्थ हूँ, तो मैं आपको टाइम टू टाइम जो है कुछ वीडियो देता रहूँगा और आप उनका फ़ायदा उठाते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले काम क्या है कि आप फिजिकल फिट रहें। भाई, अगर फिजिकल फिट रहेंगे तभी ही पढ़ाई होगी। भाई, स्कूल ऑफलाइन में शुरू हो गए हैं, लेकिन 100% स्ट्रेंथ कहीं पर भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्कूल शुरू भी नहीं हुए हो। तो बच्चों, क्या है कि ध्यान रखना अपना बहुत पहली प्रायोरिटी है। भाई, मैं ठीक नहीं था इसलिए मैंने वीडियो डाली, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं 100% स्वस्थ नहीं हूँ, 100% रिलैक्स में नहीं हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक आप देख भी रहे होंगे कि मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन रेगुलर अपलोड नहीं था। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलर अपलोड करूँ, जैसे जैसे मैं फिट होता रहूँगा वैसे वैसे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दूंगा। हो सकता है कि इन बिटवीन इतने दिनों का गैप नहीं होता, तो अभी तक मैं सारा सिलेबस अपलोड कर देता और आपके लिए NDA वगैरह की या दूसरे टाइप की वीडियो अपलोड करता। तो बच्चों, आपको अगर वीडियो देखनी है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर जो आपने पहले देखी हो ना भी देखी हो, तो आपको जो है देखना है, पसंद आए तो उनको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे लिए थोड़ी सी ब्लेजिंग करेंगे, मैं आपके लिए करूँगा, ओके? तो आज हमने ये टॉपिक लिख रखा है कि क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हमने चैप्टर 1 भी डाला, चैप्टर 3 भी अपलोड कर रखा है, 4, 5 भी कर रखा है अपलोड। ये चैप्टर 2 छूट गया था या मैंने किसी वजह से छोड़ रखा था, तो उस चैप्टर को अब मैं अपलोड करूँगा। तो बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है कि जैसे जिस चैप्टर के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, और हमारे यहाँ क्लास 11th में ये बहुत शॉर्ट में दे रखा है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा व्हाट विल बी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में होगा क्या क्या, ठीक है? और इसके आगे जो भी हम मैथ पढ़ेंगे वो सारा का सारा इस चैप्टर के बिहाफ पर चलेगा। यहाँ लिखा हुआ है ना कि रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब पहले रिलेशन होगा उसके बाद फंक्शन होगा, ठीक है ना? पहले कोई चीज़ डिसाइड होगी, उसके बाद उसको क्या करेंगे हम, उसके बाद उसको फंक्शन में लाएंगे, मतलब उसको अमल करेंगे, ठीक है ना? तो जब तक कोई कहानी शुरू नहीं होगी तब तक उसको सुनने वाला कौन होगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही क्या है कि मैथमेटिक्स में जैसे क्लास 10th तक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते रहे, ऐसे ही आगे के मैथ में हम हमेशा क्या लिखेंगे कि fx लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू fx। क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन वाले पार्ट में बताएंगे। लेकिन बच्चों, क्या होगा कि जितने तरीके का भी मैथ में जो भी कंसेप्ट दे रखा है, दैट ऑल विल बी फंक्शन। वो क्या होगा? फंक्शन होगा,
जो कि इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में क्या क्या होगा इस पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले होगा कि कार्टेजियन प्रोडक्ट, कार्टेजियन प्रोडक्ट। बच्चों कार्टेजियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे हमारा क्या था कि कार्टेजियन प्लेन था, कार्टेजियन प्लेन में एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट हुआ करता था, एक एक्स एक्सिस से लेते रहते थे, एक वाई एक्सिस से लेते रहते थे। मान लो कि यहाँ पर एक्स वन एक पॉइंट ले रखा है, या वाई वन ले रखा, वाई टू ले रखा, वाई थ्री ले रखा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, वो एक्स वन वाई थ्री, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक्स टू मान लिया, तो इस तरीके से क्या है, एक क्या आता था हमारे पास, कोऑर्डिनेट आता था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होगा हमारा कार्टेजियन प्रोडक्ट, मतलब इस जगह से निकाल करके लाए हैं हम किसको, कार्टेजियन प्रोडक्ट को, ठीक है। उस कार्टेजियन प्रोडक्ट को हम और क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, ठीक है। मतलब क्या कहेंगे, अभी हम बताएंगे इसको कि ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो दूसरी बात क्या होगी कि फिर इस कार्टेजियन प्रोडक्ट की हमारे पास प्रॉपर्टीज होगी, और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्या होगा कि हमारे क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2.1 एक्सरसाइज होंगे, बहुत आसान सी एक्सरसाइज होगी। मतलब चैप्टर जब शुरुआत में 11th क्लास में या 12th क्लास में कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो वो पहले शुरुआत में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा लगता है, ये लगता है कि टू सिंपल, लेकिन अचानक हर एक चैप्टर में क्या होता है कि ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले वाली एक्सरसाइज होगी, बहुत आसान सी होगी। फिर क्या आएगा हमारे पास, रिलेशन आएगा, ठीक है। इस रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, पहली बात तो ये रिलेशन होगा क्या, फिर हम पढ़ेंगे रेंज क्या होती है, और फिर क्या होगा, एक को डोमेन होगा। तो ये सब बातें हम क्या करेंगे कि रिलेशन के अंदर आएंगी, ठीक है। फिर नंबर फोर के बच्चों क्या होगा, फंक्शन होगा। मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन होता है उसमें से कुछ फंक्शंस बनते जाते हैं, ठीक है ना। हमने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन हो सकता है हम अमल में नहीं ला पाए, जिसको अमल में ला पाए, जिसको हम क्या कर पाए कि क्लियर कर पाए, वही फंक्शन होगा जा करके, बाकी सारे रिलेशन रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब रिलेशंस होंगे, लेकिन सारे रिलेशंस क्या होंगे कि फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन में भी हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, को डोमेन, प्री इमेज, इमेज, ठीक है। वराइटी ऑफ वर्ड सामने आएंगे, डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है, जिनको कि हम वन 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 बाई वन बताएंगे। फिर बच्चों क्या होगा नंबर पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, यही सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा कि हम आगे हर एक क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, और फंक्शन इफेक्ट। आपको कोई सभी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में दे रखा होगा तो वो इफेक्ट्स ही होगा, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा हम यूज करेंगे कहाँ चल करके, कैलकुलस में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलस क्या होता है वो कैलकुलस में देखेंगे चल करके, ओके। तो फंक्शन मतलब जितना भी पढ़ाएंगे उतना कम रहेगा, फिर भी आपको पढ़ाते ही रहेंगे, फिर भी ये लगता रहेगा कि डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा। तो बहुत सारे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, हमारी बुक में उतने टाइप के नहीं दे रखे हैं, तो आपको हर वीडियो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद जो आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। तो मैं सारे फंक्शन यहाँ पर लिखूँगा तो नहीं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस क्या होंगे कि जैसे सबसे पहले हमने लिख लिया कि आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन के रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन वो क्या होगा, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, रेशनल फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ठीक है, सिग्नम फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा कि लगभग मैथ में जितने तरीके का भी मैथ है वो हर एक किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो वो फंक्शन हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फिर हर एक टाइप के फंक्शन का रेंज होगा, डोमेन होगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, वट एवर इज। तो हम वहाँ पर पहुँच करके इस बात को आपको क्या करेंगे कि क्लियर करेंगे। फिर आएगा बच्चों क्या कि अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन, अब एक फंक्शन लिख दिया हमने यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, एफ एक्स मान लिया, जी एक्स मान लिया, ठीक है। तो उनका कंपोजिशन, उनका प्लस, उनका माइनस, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, ठीक है, फंक्शन पर फंक्शन की कैसे वैल्यू आएगी, ये सारे पॉइंट्स किस में होंगे कि अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस में के अंदर होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस टॉपिक में मेनली ये होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं नंबर वन, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। तो नाउ कम टू द अवर टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, पहली बात तो ये कि हमने पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे पास मान लो कि ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स। डेफिनेशन में तो कहीं नहीं लिखने को आती है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्मेट में क्या होता है कि वो आया करता है, ठीक है। तो हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेशन तो मैं जैसे बर्बली अभी बोल दूं या आप भी देख करके बुक से लिख सकते हो। तो हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, ये ए और बी किस टाइप के सेट होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, मतलब जिनमें क्या होगा कुछ भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि नॉन एम्प्टी सेट आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। हमारे पास ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमने क्या लिख दिया कि ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ए क्रॉस। अब आप बोलो कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो मैं आपको भी बताऊंगा। यानी ए क्रॉस बी अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, ए ये ए इसे को बिलोंग कर रहा है, ये बी इस बी को बिलोंग कर रहा है, हम क्या लिख सकते हैं कि सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। या आप ऐसे ए बराबर मैंने लिखा वन टू, बी बराबर मैंने क्या लिख दिया कि मान लो कि थ्री फोर लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते थे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बच्चों पहले वन का इस वन के साथ में ऑर्डर पेयर बनाया, फिर वन का फोर के साथ में इस तरीके से लिखा, फिर जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया करते थे, फिर हमने क्या किया टू के साथ में थ्री को किया और फिर टू के साथ में फोर किया। तो बच्चों देखो है क्या कि ये पहला एलिमेंट तो हमने पहले वाले सेट से लिख लिया और दूसरे वाला एलिमेंट मैंने दूसरे वाले उससे लिख लिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे थ्री फोर फाइव होता तो हर एक में फाइव भी आ जाता, सिक्स होता तो और आगे आ जाता, आता रहता कि नहीं आता रहता, आता रहता, ठीक है ना। ये बात क्लियर कि पहला एलिमेंट पहले इन सबके साथ चलेगा, दूसरा एलिमेंट इन सब के साथ चलेगा। जैसे कि हमारे कार्टेशियन सिस्टम में क्या था, हम अभी आपको बता रहे थे एक्स वन यहाँ पे बाई वन बाई टू बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट, एक्स वन बाई वन, एक्स वन बाई टू, एक्स वन बाई थ्री, एक्स वन बाई फोर, फिर मैंने एक्स टू यहाँ पे लिख लिया, एक्स वन एक्स टू बाई वन। तो इस तरीके से
भी हम इसको क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, अब आप एक बात देखो, क्या आपको कि सदी ए क्रॉस ए क्रॉस बी लिखा है, क्या बी क्रॉस ए भी ऐसा होगा? अगर बी क्रॉस ए लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा कि थ्री और वन आ जाएगा, मैं थ्री पहले लिखूंगा क्योंकि बी यहाँ पर पहले है। ओके, और वन बाद में लिखूंगा, फिर थ्री वन लिखा, फिर मेरा क्या हो गया कि फोर वन हो गया और फिर फोर टू हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट सामने आ गया, क्या आ गया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी किसके नहीं इक्वल होगा? बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ओके, अब एक बात और देखो, ये बात उम्मीद है कि मुझे आपको क्लियर हुई होगी कि अगर मान लो कि मैंने लिख लिया कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बनी एलिमेंट लिखा और b में एलिमेंट लिख लिया वन टू थ्री फोर ऐसे इस तरीके से डॉट इतने सारे एलिमेंट लिख लिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें n नंबर ऑफ n एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, है कि नहीं है? तो जब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो a क्रॉस b किसके इक्वल होगा? भाई a क्रॉस b बेटा इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा, मतलब डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि वन इसके साथ लिखा, टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के साथ में, इस तरीके से मैं लिखता ही रहूँगा सवेरे से शाम तक, एंडलेस हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ a क्रॉस b विल बी इनफाइनाइट। ओके, अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो a इज इक्वल टू मैंने वन लिख दिया, वन टू लिख दिए और b इज इक्वल टू फाइव लिख दिया, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। अब इस वाले केस में क्या होगा कि a क्रॉस b विल बी इक्वल टू फाइव के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फाइव व्हाट इज फाइव है, फाइव इज द नल सेट, फाइव क्या है, एक नल सेट है। तो जब नल सेट है तो नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये बात हम जानते हैं सेट से, है ना, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो ये बच्चों क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपका कंसंट्रेशन बना रहा तो चैप्टर करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, और अगर कंसंट्रेशन लैप्स हो गया तो इससे मुश्किल चैप्टर नहीं होगा। और ये चैप्टर क्लास ट्वेल्थ में भी होगा, चैप्टर नंबर वन है वहाँ पर, और बच्चों को जो है 3D के बाद दूसरे नंबर पर सबसे मुश्किल चैप्टर यही लगता है। तो इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं और क्वेश्चन को चैप्टर भी बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या मान लिया कि ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी हमारे पास क्या है कि दो सेट्स हैं। अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सेम है, एक जैसे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे कि ए और बी हमारे इक्वल सेट्स। फिर से सुन लो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स हैं और इनसे क्या किया आपने, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। सपोज कर लो कि ए क्रॉस बी निकाला आपने, ए क्रॉस बी में क्या हुआ कि एक ऑर्डर्ड पेयर वन टू आ गया, मान लिया मैंने, ठीक है। और क्या किया कि कोई और भी ऑर्डर पेयर दे रखा, एक ही ऑर्डर पेयर दे रखा, ठीक है, एक और ऑर्डर पेयर दे रखा है, मान लिया मैंने वो ऑर्डर पेयर ए बी है। अगर ये वन इस ए सॉरी अगर यहाँ पर भी वन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टू लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर पेयर दोनों कैसे हो गए, सेम, ठीक है ना। मतलब दो ऑर्डर पेयर कब सेम होंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और उनसे जो भी हमने ऑर्डर पेयर बनाए उनके अगर सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, इक्वल है,
ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो ऑर्डर्ड पेयर सेम है, यानी इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में, और वो किस तरीके से लिखा होता है हमारे एनसीईआरटी बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मान लो कि जैसे हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर इसने मुझे क्या दे दिया कि थ्री और माइनस वन दे रखा है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू थ्री और वाई इज इक्वल टू माइनस वन। क्यों? क्योंकि इसने बीच में इक्वल का साइन लगाया, तो इट मीन्स दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर। ओके, तो मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी कि इक्वल ऑर्डर पेयर कौन कौन से होते हैं। फिर बेटा क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, मान लो कि हमारे पास ए एक सेट है जिसमें कि एन ए मतलब नंबर ऑफ सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो पी के इक्वल है। ओके, और दूसरा हमारे पास सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे हमारे वो किसके इक्वल होंगे, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी, यानी पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, चाहो तो हम जैसे हमने ए में क्या लिख लिया कि वन टू लिख लिया, आप करके देख लो, और बी में क्या लिख लिया, ए बी लिख लिया, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाओ तो चार आएंगे। ठीक है, तो चार दो इंटू टू इंटू टू फोर ऑर्डर पेयर्स इसमें आएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या होती है, पॉज वीडियो एंड कॉपी। देखो थर्ड वाले प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास, हमने वैसे बता चुके हैं हम इसे, ए एंड बी दो सेट्स हैं। ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, मतलब एक और बी दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स, और एक में क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो किस टाइप के सेट, वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो जाएंगे। हमने मान लिया कि ए में कुछ सेट्स हैं, सम एलिमेंट्स, ठीक है, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, फिर एक क्या होता है कि मान लो मेरे पास ए एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, एक और प्रॉपर्टी है, ये इस साल रिलेटेड है लेकिन आपको सीखनी है, ए एक सेट है तो मैंने ए क्रॉस ए निकाला भाई। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ट्रिपल ए निकालो, मतलब कि एक और ए लगाओ, तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए। ठीक है ना, जैसे मान लो कि इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ये होता कैसे है भाई, यहाँ ए बराबर सपोज कर लो कि वन टू लिखा, तो ए क्रॉस ए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक बार और ए लिख लिया, वन वन वो वन टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, वन वन, ठीक है, वन टू, फिर टू वन, और क्या आ गया, टू टू आ गया। अब मुझे चाहिए ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है ना, तो अब इस केस में क्या होगा, ये वन इनके साथ में, इन सब के साथ में, और फिर ये टू इन सब के साथ में लगा देंगे, मतलब वन 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 ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, तो क्या लगा देंगे, वन वन और टू, सॉरी यहाँ पे ये टू पहले है तो टू लगाओ और फिर लिखो वन, फिर ये वन इसके साथ में आ गया, टू वन वन, फिर टू टू और वन आ गया। ठीक है, फिर ये टू इसी तरीके से इन सब के साथ लगा दो, क्या आ जाएगा, वन वन और टू आ गया, फिर क्या आ गया कि वन टू टू आ गया, फिर टू वन टू आ गया, फिर क्या आ गया, टू टू और टू आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वैसे अब क्या देखो,
जैसे हमने बता दिया आपको कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट रे क्रॉस भी होंगे, उनको हम किसी और पर नंबर मान लो कि वो के हैं, जैसे सपोज कर लो कि एक हमारे पास एक और कंसेप्ट ले लेते हैं कि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ लिख लिया ए वन ए टू ए थ्री, इस तरीके से मैंने कितने लिख लिए ए एन लिख लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसमें ये अगर ए क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर बनाओगे तो वो क्या आ जाएगा कि आई इज इक्वल टू वन, यहाँ पे लिख दिया आई और यहाँ पर एन के बराबर हो गया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इतने हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जो वो ये कंसेप्ट हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी एक्सरसाइज हम आगे वाली वीडियो में कराएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, ठीक है। हमेशा स्वस्थ रहें, और अपने आप दूसरे को भी स्वस्थ, घर में परेशान नहीं करें, उसको भी स्वस्थ रहने को कामना करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।